दुश्मनों के उड़ जाएंगे होश। नए वर्जन में आया ब्रह्मोस। अब दुश्मनों के हर नापाक मंसूबों का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। मोदी नेतृत्व में भारत रक्षा और तकनीक के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी लगातार ये कहते रहते हैं कि टेक्नोलॉजी समय की मांग है। वो युवाओं से लगातार इनोवेशन को लेकर अपील करते रहते हैं। देश के विकास के साथ साथ देश की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है, इसीलिए मोदी सरकार जनहित कार्यों के साथ साथ देश के रक्षा तंत्र को भी मजबूत करने में जोर शोर से लगी हुई है। रक्षा क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भरता हटाने के लिए अब देश में ही सुरक्षा तंत्रों और हथियारों का निर्माण हो रहा है। मोदी सरकार में देश के वैज्ञानिकों का भी मनोबल काफी बढ़ा है। यही वजह है कि इसरो हर दिन एक नया कीर्तिमान हासिल कर रहा है। रविवार को भारत ने दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के वर्टिकल डीप डाइव वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस परीक्षण के बाद स्वदेशी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक बढ़ गई है। ब्रह्मोस का ये नया वर्जन सेना, नौसेना और वायुसेना की पसंद का बन गया है। यही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल का भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 विमान से परीक्षण किए जाने के बाद लड़ाकू विमानों पर लंबी दूरी की मिसाइलों का इंटीग्रेशन करने वाला भारत दुनिया में अब इकलौता देश बन गया है।